गाइज वेलकम टू माई YouTube चैनल। आज मैं आपको लेटर टू एडिटर इजी वे में लिखना सिखाऊंगी। दोस्तों, लेटर टू एडिटर लिखने से पहले आप ये जानिए, लेटर दो तरह के होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर, लेटर टू प्रिंसिपल, लेटर टू कमिश्नर, हायर अथॉरिटीज़, लेटर टू डायरेक्टर, एडिटर इटीसी, ये जो लेटर होते हैं, इन लोगों को जो हम लोग लेटर लिखते हैं वो होता है फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इटीसी, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जो लेटर हम लोग लिखते हैं वो होता है इनफॉर्मल लेटर। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ लेटर टू द एडिटर के फॉर्मेट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पहले सेल्फ एड्रेस लिखना, आपका अपना खुद का एड्रेस क्या है वो। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, उसके बाद डेट लिखना, आप किस डेट को लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, लेटर आप लिख किसको रहे हैं, एडिटर को, तो एक लाइन छोड़ के आप लिखिएगा द एडिटर। उसके बाद आप न्यूज़पेपर का नाम दीजिएगा। दोस्तों, जब आप लेटर लिखिएगा तो क्वेश्चन में आपका वहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम दिया रहेगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ये तो वो आप जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो उस न्यूज़पेपर का नाम लिख दीजिएगा। अगर न्यूज़पेपर का नाम नहीं है तो आप किसी भी न्यूज़पेपर का नाम, इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसका नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद आप सिटी का नाम लिख दीजिएगा, जैसे मैं बेंगलुरु लिखी हूँ वैसे आप किसी सिटी का नाम लिख दीजिएगा, आप कहाँ से लिख रहे हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपको लिखना है, लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं तो आपका प्रॉब्लम, इशूज़ क्या है वो। उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखना सर। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही ईजी ट्रिक है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एक्सट्रीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स। ये आप दोस्तों देखिए, ये पूरा आप लिखते हैं तो आपको पूरे 8 मार्क्स मिलेंगे। देखिए आप इतना दूर जो है थ्रू द कॉलम ऑफ योर टूवर्ड्स तक पूरा लिखिए, उसके बाद आप किस प्रॉब्लम के इश्यू को लेके इस लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं वो प्रॉब्लम यहाँ पर आप डालिएगा। उसके बाद प्रॉब्लम लिखने के बाद, जैसे पॉल्यूशन का है तो वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन लिखिएगा। उसके बाद वी हैव बीन फेसिंग या वाचिंग दोनों में से किसी एक को लिखना है दिस प्रॉब्लम फॉर ए लॉन्ग टाइम। आप ये प्रॉब्लम बहुत दिन से है झेल रहे हैं। उसके बाद आपको लिखना है इस प्रॉब्लम में क्या क्या प्रॉब्लम है आपको, जैसे पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, क्या है, नहीं, आपको उसके बारे में जो भी वो लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे वी हैव कंप्लेंड मैनी टाइम्स टू द कंसर्न अथॉरिटीज़ बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन आउट। इस लाइन का मतलब है कि आपने पहले बहुत से अथॉरिटीज़ को इस बारे में कंप्लेंट किया लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद आई होप डैट माई लेटर विल गेट एन अप्रोप्रिएट स्पेस इन योर एक्सट्रीम न्यूज़पेपर। लेटर टू एडिटर को लिखे तो आप एडिटर को ये आप उससे उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेरे इस जो प्रॉब्लम को आप उसको छापने के लिए अपने न्यूज़पेपर में थोड़ा अप्रोप्रिएट स्पेस दें। और इस न्यूज़पेपर को कौन लिख रहे हैं, तो योर्स ट्रूली या फेथफुली, अपना जो भी नाम है वो XYZ जो भी है, मैं XYZ लिख दी हूँ, आप अपना नाम लिख दीजिएगा। दोस्तों, ये बहुत ही इजी ट्रिक है। अगर आप ये लिख देते हैं एग्ज़ाम में तो आपको 8 out of 8 ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही इजी ट्रिक है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही इजी ट्रिक में आपको और भी ग्रामर्स पोर्शन बताऊंगी। तो दोस्तों, आपको ग्रामर पोर्शन में और आगे क्या पढ़ना है इसके लिए मुझे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तब आप पूरा लेटर टू द एडिटर इजी वे में लिखना सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।